Welcome, my dear student. This is the second video of lesson 1 Globe and Maps. So, I hope that all of you understood whatever the things we have learned in the previous topic. Today, we continue the same lesson 1. In the last video, we learned about the shape of the earth, globe, maps, and language of a map. Our today's topic is atlas today we have learned about atlas what is an atlas so simple definition a book of maps is called an atlas it contains a large variety of maps such as physical map physical map what is physical map इट शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ रीजन्स लाइक माउंटेंस रिवर्स एक्सेट्रा फिज़िकल मैप में हम लोग क्या देखते हैं माउंटेंस पहाड़ दिखते हैं हम लोग रिवर्स देखते हैं और चीज़ें दिखते हैं दैन पोल्टिकल मैप वट इज़ पोल्टल मैप इट शोज़ द बॉर्डर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ये हमें बॉर्डर दिखाता है अलग अलग देशों के अलग अलग now next map is thematic map thematic map shows a theme such as the network of roads in a city or a country we also use other maps like those that depict the network of railways and airways our next topic is directions डायरेक्शंस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैप रीडिंग यदि हमको मैप को रीड करना है तो हमको डायरेक्शंस के बारे में भी जानना होगा तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वॉट इज डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होती हैं डायरेक्शंस आर द इंडिकेशन ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ये क्या इंडिकेट करती हैं इनको हम हिंदी बोलते हैं दिशाएं और ये दिशाएं हमें क्या दर्शाती हैं ईस्ट को दिशा को वेस्ट को नॉर्थ को और साउथ को मैप्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द नॉर्थ इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप मैप को इस तरह से बनाया जाता है कि हमेशा जो उसकी ऊपर की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है नॉर्थ इसे आप हमेशा याद रखेंगे यदि मैप आपको देखेंगे तो हमेशा उसका जो ऊपर मतलब टॉप मोस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी नॉर्थ द साउथ ऑलवेज एट द बॉटम और हमेशा जो बॉटम की साइड होगी जो नीचे उसकी साइड होगी दैट इज़ यदि ऊपर नॉर्थ है तो नीचे हमेशा क्या होगा साउथ होगा द ईस्ट इज ऑन द राइट और ईस्ट किस तरफ होगा राइट right साइड आपके सीधे हाथ की तरफ एंड द वेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा वेस्ट होगा अब तक हमने चार मुख्य डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था अब चार जो डायरेक्शन दैट इज़ सब डायरेक्शंस ये सब डायरेक्शंस क्या हैं देर आर डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन टू मेजर डायरेक्शंस माने दो मेजर डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन है उसे हम सब डायरेक्शन कहते हैं जैसे नॉर्थ नौ, और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं एंड साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड द ईस्ट एंड साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट स्टूडेंट्स आपने वर्ल्ड आप न्यूज़ से तो परिचित होंगे एन ई डब्ल्यू एस न्यूज़ न्यूज़ वर्ड से तो आप परिचित होंगे ही वर्ड न्यूज़ इज फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ न्यूज जो वर्ड है वो किससे बना है ये चार चारों डायरेक्शन को कम्बाइन करके ये वर्ड बना है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल वी ऑल नो अबाउट स्केल इट इज यूज फॉर मेजरमेंट मतलब यदि हमको कोई चीज़ नापनी होती है तो हम स्केल का प्रयोग करते हैं बट इन मैम its meaning is different in map <coughs> we use it for measuring the distance between two places a scale is a sketch on the map by which we can measure the distance between two places we cannot draw a map showing the actual size of a place hum log jo के बनाना हो एक्चुअल साइज यदि हम बनाना तो हम बहुत मुश्किल है कि हम उसको पेपर में बना सकें इसलिए हम लोग मैप में जिस स्केल का प्रयोग करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज़ ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप हेंस वी यूज स्केल इन मैप्स मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल वॉट इज दब हमको जाना होगा तो वॉट इज स्केल इसको हम लोग इट कैन बी कॉल्ड लीनियर स्केल और जोग्राफिकल स्केल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बार्स बार्स के फॉर्म में होता है ये सो द स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप माने कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि यदि किसी जगह का ग्राउंड मतलब किसी ग्राउंड का डिस्टेंस और एक्चुअल जो मैप में डिस्टेंस है उसका हम रेशियो निकालते हैं सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ हंड्रेड किलोमीटर मान लीजिए कि किसी भी मतलब दो सिटीज़ के बीच की दूरी हंड्रेड किलोमीटर है ऑन द स्केल यदि हम स्केल से उसको यदि हम नाप के मैप बनाएंगे उसका इट इज़ शोन एज़ वन सेंटीमीटर तो हम हंड्रेड किलोमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर का को मान लेंगे मतलब हंड्रेड किलोमीटर की दूरी के लिए हम वन सेंटीमीटर स्केल में नाप कर बनाएंगे तो स्केल क्या हुआ स्केल वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर द स्केल इज़ शोन एज वन सेंटीमीटर द स्केल इज रिटन एज वन सेंटीमीटर इज टू हंड्रेड किलोमीटर द स्केल इज जनरली शोन इन देंटर ऑफ अ मैप द मैप विदाउट अ स्केल इज अ सिंपली स्केच यदि मैप मतलब मैप में स्केल नहीं होगा तो सिंपली स्केच स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग स्केच जो है रफ़ ड्राइंग होता है ये आपके बुक में तो नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ कि स्केल और मै मतलब स्केच और स्केल में क्या डिफरेंस होता है स्केच जो होता है वो रफ ड्राॅइंग होती है और स्केल जो है हमेशा नाप के बनाया जाता है Students, this chapter is finished. I hope all of you understand it. I will give you question answers, exercises, extra questions, and all the things in your homework. All of you complete it from your homework and learn it. Thank you and bye.